हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन आज करेंगे चैप्टर 3 का, SC वर्मा का चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब दो दोस्त हैं जिनका नाम है ए और बी। ठीक है, ये रहा अपना ए, ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। अब क्या बोला है कि इन लोग एक ओपन फील्ड में हैं और हवा चल रही है। हवा कहाँ से कहाँ चल रही है? विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अच्छी बात है। अब बोला है कि अब ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट ए। ठीक है, आफ्टर ही सीज द इवेंट, उसके बाद फुल स्टॉप है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब ए ने ड्रम को बीट किया तब बी को जो सुनाई दिया ड्रम की आवाज़, वो कितने देर बाद सुनाई दिया? T1 टाइम के बाद सुनाई दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। अब देखो यार, देखने में समय लगता है क्या? नहीं, क्योंकि देखते अपन कब है, जब किसी कोई भी इवेंट हो रहा हो उसमें से लाइट हमारे आँख में आती है तब हम उस चीज़ को देखते हैं। तो देखने में समय नहीं लगता क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको ए से बी पॉइंट में, चूंकि अब अपन अर्थ में ही हैं, है ना भाई, अर्थ में ही हो रहा है और दो दोस्त हैं तो ऑब्वियसली आसपास ही खड़े होंगे, खेल कूद रहे होंगे, तो ए से बी में पहुंचने में लाइट को तो बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं। तो दिखाई तो उसी समय दे देगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पे अगर वो ड्रम को हिट कर रहा है तो लगभग टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ही बी को वो इवेंट दिखाई दे देगा। ठीक है ना, पर साउंड की स्पीड इतनी नहीं होती। साउंड की स्पीड नॉर्मली कितनी होती है? 350, 330, 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती। तो साउंड को जो है ए से बी में पहुँचने में टाइम लगेगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अपना जो दोस्त है ए और यहाँ पर जो दूसरा दोस्त है बी, अब ये क्या किया? ड्रम बजाया। ठीक है, ड्रम बजाया तो क्या हुआ? अब मैं इस यहाँ पर इस ए बी लाइन को इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? इस साउंड को ए से बी तक पहुँचाना है। और बोला क्या है कि कितना समय लग रहा है? T1 टाइम लग रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में? ए से बी की जो दूरी है वो दे रखी है एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि हवा चल रही है फ्रॉम ए टू बी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया यार, ये रहा, ये वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ यू। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर वी एंड द वेलोसिटी ऑफ यू ऑफ द विंड यू। ठीक है, यानी कि साउंड की वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। अच्छी बात है। और एक चीज़ और बोला है कि विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो विंड की बहने की डायरेक्शन है वो क्या है? ये है। ठीक है, ए टू बी। अब साउंड की स्पीड क्या है? वी है। तो मैं काम करता हूँ, साउंड की स्पीड को ब्लू कलर से बनाता हूँ, और ये जो है मेरी साउंड की स्पीड है वी। और बेसिकली इसी वी को और इस यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या बोला है कि ए से बी तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? T1 टाइम लग रहा है। ठीक है ना, इस लाइन का यही मतलब है कि बी हियर्स दिस साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। इवेंट तो वो टी इक्वल टू 0 पे देख लिया, लेकिन सुनाई कब दिया? T1 टाइम पे, के बाद। T1 टाइम के बाद यानी कि एट टी इक्वल टू T1, दैट्स इट। तो ले देखे भाई, हिंदी में एक शब्द में, एक लाइन बोलूँ तो, ए से बी में पहुँचने में T1 टाइम लग रहा है, दैट्स इट। ठीक है, किसको? साउंड को। तो देखो भैया, अब साउंड की वेलोसिटी खुद की कितनी है? वी है। और ये जो ये एयर की स्पीड है कितनी है? यू है। तो क्या होएगा? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? वी प्लस हो जाएगी, वी प्लस यू हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? T1 विल बी सिंपली एक्स अपॉन वी प्लस यू। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो बाद में क्या दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। ये ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजिशंस एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। बोला है कि ए और बी क्या किए? अपनी पोजिशन को इंटरचेंज कर लिए। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। यानी कि इस बार आवाज़ कितनी देर में सुनाई दे रही है? T2 टाइम में सुनाई दे रही है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा अपन इसको ऊपर खिसका लेते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, सेकेंड केस में ए और बी ने पोजीशन चेंज कर ली, तो क्या हुआ होगा?
बी यहाँ गया होगा और ए यहाँ गया होगा। अब हवा तो यहीं चल रही है यू स्पीड से राइट साइड में, ठीक है। अब ड्रम तो किसके पास है, ए के पास ही है, तो ये बजा दिया फिर से ड्रम, ठीक है। ड्रम बजा दिया तो क्या हुआ, अब फिर से मैं इस लाइन को एक डॉटेड ए बी लाइन को एक डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अब देखो फिर से मेरी जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, वी है। अब ड्रम को ए बजाया है तो साउंड कहाँ जा रही है इस बार, वैसे तो चाहो साउंड चारों डायरेक्शन में जाती है, पर अपने को सबसे क्या मतलब है, अपने को उसके इस वाले पार्ट से मतलब है जो कि बी के काम में जाके पढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो ये वाला जो साउंड का पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। जबकि जो अपनी विंड की वेलोसिटी है वो कितनी है, यू, जो कि राइट साइड में है, और ये वी है, ये है साउंड की वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली यार विंड 330 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड से तो जाएगी नहीं, उससे तो कम ही होगा, 20-30 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली टॉर्नेडो वगैरह में होती है यार 200 मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड, ठीक है ना, वो भी 200 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो 200-300 किलोमीटर, 200-300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एयर के लिए। तो यू इज़ डेफिनेटली लेस देन वी, तो नेट स्पीड अपनी कितनी आ गई साउंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी माइनस यू आ गई। तो इस बार टाइम बोला है कि T2 लग रहा है, तो T2 विल बी वॉट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x क्या हो जाएगा अपना, v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना भाई। साउंड की स्पीड इस केस में थोड़ी सी घट गई सेकेंड केस में, क्यों, क्योंकि विंड जो है वो अपोजिट ब्लो कर रही है साउंड के, ठीक है। तो T2 हो गया अपना ये x अपॉन v माइनस यू, तो ये हो गया भैया इक्वेशन नंबर 2। अब यार देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, v प्लस यू इज इक्वल टू वॉट, एक्स अपॉन T1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल लिया। और इस इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू वॉट, एक्स अपॉन T2, अरे एक्स अपॉन T2। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर और 3 और 4 को ध्यान से देखो यार, एक बार ऐड कर लो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये यू माइनस यू और ये प्लस यू कट जाएगा, बचेगा क्या, 2v, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, 2v इज इक्वल टू वॉट, ऊपर है अपना यू, यू तो कट गया, यू और माइनस यू, एक्स अपॉन T1 प्लस एक्स अपॉन T2, ठीक है। तो इससे v की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कॉमन आ जाएगा बाय 2, ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा और बचेगा 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, किसका, वी का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये आंसर हो गया। अब यार इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 3 और 4 को जब घटाओगे तो इस बार यू, पहले जब जोड़े तो यू कैंसिल हुआ, घटाओगे तो वी कैंसिल हो जाएगा, और जो सॉल्व होके आएगा वो मैं सीधा लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो ये दोनों आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, वी और यू, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं है, सिंपली अपन पहले क्या किए, ए से बी में गए साउंड को लेके, और स्पीड हो गई साउंड की कितनी, वी प्लस यू हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम किए, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है कि साउंड की स्पीड जो है वो साउंड की जो वेलोसिटी है वो विंड की वेलोसिटी से अपोजिट थी, तो साउंड की नेट वेलोसिटी क्या हो गई, वी माइनस यू हो गई, ठीक है। तो सिंपली टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल हैं वी और यू, दोनों को सॉल्व किए और आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, तो कोई ख़ास बात नहीं थी यार, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अब अगले वीडियो में, आई होप आपको, लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैं बताया, तो बाय बाय।